बीते 21 मार्च को दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा व उत्तर भारत के कई राज्यों में रात को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.5 मापी गई। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के फैजाबाद से 133 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में जमीन के 156 किलोमीटर की गहराई में था, जिससे लोगों के साथ साथ प्रशासन भी डर गया। और इसी को लेकर प्रशासन ने अलग अलग राज्यों में भूकंप की आपदा से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन करने का फैसला किया। इसी कड़ी में आज हरियाणा के कई जिलों में मॉक ड्रिल हुई। आपको बता दें कि गुरुग्राम में 5 स्थानों पर आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। गुरुग्राम के अलावा ये मॉक ड्रिल हरियाणा के कई जिलों में हुई। गुरुग्राम सहित झज्जर, सोनीपत, फरीदाबाद में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। देखिए, आज ये मॉक ड्रिल रखी गई थी यहाँ पे, और इसमें 5 साइट चुनी गई, जिसमें से एक हमारी मिनी सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग थी, जिसकी असेसमेंट डैमेज असेसमेंट में हमने पार्टली बिल्डिंग डैमेज और एक हिस्से में फायर इंसिडेंट हुआ है। तो उसके बाद हमारा जो स्टेजिंग एरिया है ताऊ देवीलाल स्टेडियम, वहाँ से हमने सारे रिसोर्सेज कलेक्ट किए, एम्बुलेंसेज, फायर ब्रिगेड्स, वॉलंटियर्स, SDRF, NDRF की टीम्स और रोडवेज की बसेस, वो लेके फिर हमारी टीम्स ने आके रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके अंदर हाइपोथेटिकली 1 डेड बॉडी और 10 इंजर्ड मिले हैं, जिनको हमने सिविल हॉस्पिटल पहुँचा दिया। अब हालात देखिए धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। हमारी सिविल डिफेंस की टीम एक थर्ड सर्च ऑपरेशन और चला रही है। गौरतलब हो कि साइबर सिटी गुरुग्राम में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत कार्यों से संबंधित विभाग आपस में बेहतर समन्वय स्थापित कर सके, इसी उद्देश्य से गुरुग्राम में आज 5 स्थानों पर भूकंप की स्थिति का सांकेतिक दृश्य तैयार कर मल्टी स्टेट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। गुरुग्राम के 5 स्थानों पर मॉक ड्रिल की गई, जिसमें सेक्टर 4-7 का सरकारी स्कूल, सेक्टर 10 का सिविल अस्पताल और लघु सचिवालय, इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प सहित RD सिटी शामिल थे। इस मॉक ड्रिल के तहत लघु सचिवालय में इमारत के अंदर दरारें और बिल्डिंग के एक हिस्से में आग की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग, NDRF, SDRF, स्वास्थ्य विभाग सहित सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और इमारत को खाली कराने का कार्य शुरू कर दिया गया। इसी तरह से सभी जगह पर मॉक ड्रिल का दृश्य दर्शाया गया। द ग्राउंड न्यूज के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।